हेलो फ्रेंड्स, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने डिफरेंट फ्लेवर के डालगोना लस्सी लेके आई हूँ। और ये फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही इजी है और देखने में भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं डिफरेंट फ्लेवर के डालगोना लस्सी। डालगोना लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम हंग कर्ड बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और उसमें छानने के लिए एक छन्नी लगा दी है। अब इसके ऊपर हम एक कपड़ा भी डाल देंगे, आप कोई सा भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। अब इसमें हम दही को डाल देंगे। यहाँ पर मैं 700 ग्राम दही ले रही हूँ। इस दही को हम इसी कपड़े में अच्छे से बांध के रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा दही में वो निकल जाएगा और जो बचेगा वो हमारा हंग कर्ड रहेगा। तो हंग कर्ड हमारा रेडी है। अब डालगोना लस्सी के लिए हम पहले लस्सी बनाएंगे। लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है। इसमें मैं 1/2 kg दही डाल दूंगी। इस दही में मैंने 7 to 8 आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच शुगर डाल देंगे। शुगर अपने स्वाद अनुसार भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें 1/2 teaspoon में इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ठंडी ठंडी लस्सी बन के रेडी है। अब हम डिफरेंट फ्लेवर के डालगोना लस्सी बनाएंगे। सबसे पहले हम मैंगो फ्लेवर की डालगोना लस्सी बनाएंगे। मैंगो फ्लेवर डालगोना लस्सी बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच हंग कर्ड ले लेंगे। अब इसमें 2 teaspoon पाउडर शुगर डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 teaspoon मैंगो पल्प। इन तीनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंगो फ्लेवर डालगोना क्रीम बनके हमारी रेडी है। अब इसे हम ग्लास में असेंबल करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे में डालगोना क्रीम डालूंगी। मैंने मैंगो क्रीम को नीचे के तरफ असेंबल कर दिया है और आप देख सकते हैं मैंने किनारे किनारे भी इसे अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसमें हम लस्सी डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम मैंगो के पीसेस डाल देंगे। तो ये हमारी मैंगो डालगोना लस्सी बनके रेडी है। दूसरा हम ब्लूबेरी फ्लेवर का डालगोना लस्सी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर 2 चम्मच हंग कर्ड ले लूंगी। 2 teaspoon पाउडर शुगर डाल दूंगी। इसमें मैं 2 चम्मच ब्लूबेरी क्रश डाल रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लूबेरी क्रीम रेडी है। अब इसे भी हम ग्लास में असेंबल करेंगे। ग्लास में नीचे की तरफ मैं ब्लूबेरी क्रीम डालूंगी। ब्लूबेरी क्रीम को मैंने नीचे की तरफ फैला दिया है और इसके चारों तरफ भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें लगा दिया है। अब इसमें हम लस्सी डालेंगे। तो ये हमारी ब्लूबेरी डालगोना लस्सी बनके रेडी है। चॉकलेट फ्लेवर डालगोना लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 spoon हंग कर्ड ले लिया है। अब इसमें 2 teaspoon पाउडर शुगर डाल देंगे। अब इस पे हम 2 spoon चॉकलेट स्प्रेड डाल देंगे। 1 teaspoon के करीब चॉकलेट सिरप मिला देंगे।
इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चॉकलेट डालगोना क्रीम बनके रेडी है। अब इसे भी हम एक ग्लास में फैलाएंगे नीचे की तरफ। मैंने ग्लास में नीचे की तरफ चॉकलेट क्रीम को फैला दिया है और इसके चारों तरफ मैंने चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर दिया है। अब इसमें हम लस्सी को डालेंगे। और इसे चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी चॉकलेट डालगोना लस्सी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों फ्लेवर की डालगोना लस्सी बनके रेडी है। फ्रेंड्स, आप और भी फ्लेवर के डालगोना लस्सी बनाना चाहते हैं तो आपको बस 2 टीस्पून हंकर, 2 टीस्पून पाउडर शुगर एंड किसी भी फ्लेवर का या तो क्रस्ट या पल्प यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।